तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन खेल के मैदान पर जैज बॉल देखने को मिला, जिसने अंग्रेजों को उसी की भाषा में जवाब दिया। तो वहीं भारतीय गेंदबाजों का कहर जहां अंग्रेज के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। तीसरे दिन रोमांच की सारी हदें तब पार हो जाती है जब भारत 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरती है। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच से ही हो गया बाहर और अब भारत 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मुकाबले की, जो कि राजकोट में निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। खेल के 2 दिन समाप्त हो चुके हैं और आज तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है। खेल अब रोमांचकता की सारी हदें पार कर रहा है और फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है। जो भारत 33-3 गवा चुका था, वो इस मैच को कंट्रोल कर रहा है और वो भी 10 खिलाड़ियों के साथ में। हम आपको तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे पहले गेंदबाजों के द्वारा और फिर कैसे जैज बॉल के द्वारा मैच को पलट दिया गया। चलिए आइए आपको बताते हैं पूरा हाईलाइट इसे खास रिपोर्ट में। अब तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट बताने से पहले के 2 दिन खेल में क्या देखने को मिले, जरा उस पर भी नजर डाल देते हैं। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी शानदार रही थी, भले ही भारत ने 33 रन पर एक वक्त पर 3 विकेट गवा दिए, लेकिन पहली पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रन की पारी खेली। उसके बाद रविंद्र जडेजा के 112 रनों की पारी, सरफराज खान के वो 62 रन भला कौन भुला सकता है। हालांकि हर क्रिकेट फैंस का दिल तब टूटा था जब सरफराज खान को पहले दिन रन आउट होना पड़ता है जडेजा की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उसके बाद ध्रुव जुरेल के भी वो 46 रन, रविचंद्रन अश्विन के वो 37 रन और आखिर में बुमराह के वो 26 रन, जिसकी वजह से भारत 445 रन बनाता है 10 विकेट के नुकसान पर और 130 ओवर खेलते हैं। खेल का दूसरा दिन जो था वो काफी हद तक भारत की बल्लेबाजी से शुरू जरूर हुआ था, जिसमें रविंद्र जडेजा मौजूद थे कुलदीप यादव के साथ में, लेकिन जल्दी ही 3 विकेट भारत के चले जाते हैं और फिर इंग्लैंड को मिलता है बल्लेबाजी करने का मौका। इंग्लैंड क्रिकेट टीम खेल के दूसरे दिन डोमिनेट करती है भारत ने भले ही। अब इंग्लैंड के ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दिलाई है इंग्लैंड को पिछले कुछ समय से। 89 रन पर पहला विकेट गवाया जैक क्राउली के रूप में, जिन्होंने केवल 15 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरी तरफ डकैत शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। डकैत ने शतकीय पारी खेली, उनके साथ में ऑली पॉप भी खेले, जो रूट भी खेले, लेकिन ये दोनों बड़ी पारियां नहीं खेल पाए और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जरूर 2 विकेट चटका लिए थे ऑली पॉप और जैक क्राउली के रूप में। डकैत एक छोर संभाल चुके थे, शतक लगाने के कगार पर थे। 2 विकेट पर दूसरे दिन का खेल समाप्त हो जाता है। अब बात आती है तीसरे दिन के खेल की। तीसरे दिन के खेल में भारत ने जो रूट को जल्दी चलता किया और जो रूट जो कि जसप्रीत बुमराह का शिकार बने, रिवर्स कूप लगाने के चक्कर में 224 रन पर भारत तीसरा विकेट चटकाने में कामयाब हुआ। उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ खास करने में कामयाब नहीं रहे। दरअसल जॉनी बेस्टो आए और जॉनी बेस्टो चले गए। जॉनी बेस्टो खाता भी नहीं खोल पाए और कहीं ना कहीं वो शिकार बने LBW कुलदीप यादव का। उसके बाद बैन स्टोक्स आए, हालांकि एक छोर बैन स्टोक्स ने जरूर संभाला, अब वो काफी अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बैन डकैत भी 151 रन बना चुके थे, मतलब 150 से भी ऊपर का अपना रास्ता तय कर चुके थे। 151 बॉल पर 153 रन की पारी बैन डकैत की शानदार रही और उनके रूप में भारत ने विकेट लिया 260 रन पर 5वां विकेट। उसके बाद जरूर 50 रन के आसपास बैन स्टोक्स और क्रिस फॉक्स की पारी रही थी, लेकिन जैसे ही बैन स्टोक्स का विकेट 299 रन पर भारत ने चटकाया, उसके बाद क्रिस फॉक्स भी 299 पे अपना विकेट दे बैठते हैं और फिर 319 रन पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ऑल आउट हो जाती है। और यहाँ तारीफ करनी होगी भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की। रविचंद्रन अश्विन मौजूद थे नहीं भारत की इस इनिंग के अंदर, जरूर पहले दिन जो ओवर कराए थे, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी हो गई और उन्हें जाना इसीलिए पड़ा क्योंकि फैमिली रीजन बताए गए थे और 20 मैच को ही छोड़ दिया गया इमरजेंसी रीजन। लेकिन तारीफ करनी होगी बुमराह की, 15 ओवर में 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए थे। और अब कहीं न कहीं भारत पहली पारी में एक शानदार बढ़त हासिल करता है। भारत पहली पारी में 126 रन की बढ़त हासिल करता है और अब भारत ने तीसरे दिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे।
यशस्वी जायसवाल आज अच्छी फॉर्म में देखे। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने टाइम लिया और टाइम बहुत ज्यादा लिया, जहां पर 30-40 गेंदों के अंदर केवल 10 रन बनाकर खेल रहे थे, जो कि जायसवाल के खिलाफ जाता है क्योंकि वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका जल्दी लग गया। 30 रन पर भारत ने पहला विकेट रोहित के रूप में गवाया, जिन्होंने 28 बॉल पर 19 रन की पारी खेली, 3 चौके लगाए। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल भी आज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने मिलकर यशस्वी जायसवाल के साथ सतह की साझेदारी करी। जायसवाल ने पहले हाफ सेंचुरी पूरी करी और उसके बाद देखते ही देखते जायसवाल बेजेस बॉल के रूप में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। इंग्लैंड के हर एक गेंदबाजों को रिमांड पर लेने लगे। जायसवाल ने शतकीय पारी खेल डाली, मतलब एक सैकड़ा जल डाला। जायसवाल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और शुभमन गिल भी दूसरी छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। खैर, तीसरे दिन के अंतिम सेशन के अंतिम ही कुछ ओवरों में यशस्वी जायसवाल जो शतक बनाकर खेल रहे थे, उनके बैक इंजरी की वजह से, जो कि उन्हें पीठ में दर्द होने की शिकायत आई थी, वहां पर वो रिटायर्ड हट होते हैं। 104 रन बनाते 133 बॉल पर। उसके बाद रजत पाटीदार को बुलाया जाता है। रजत पाटीदार वो जो खाता भी नहीं खोल पाए और एक ऐसी गेंद पर आउट हो जाते हैं जो आउट होने लायक गेंद थी ही नहीं। दरअसल रजत पाटीदार एक आसान सी गेंद पर आसान सा कैच दे बैठते हैं और उसके बाद कुलदीप यादव रात्रि पहरी यानी नाइट वॉचमैन के तौर पर बुलाए जाते हैं और कुलदीप यादव काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दरअसल 15 बॉल पर 3 रन बनाते हैं और अपना काम रात्रि पहरी के रूप में करते हैं। और शुभमन गिल जो कि 120 बॉल पर 65 रन की पारी खेलकर सामने डटे हुए हैं, अर्धशतक लगा चुके हैं और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल टीम इंडिया रविचंद्रन अश्विन का न होने की वजह से मान लीजिए 3 विकेट गवा चुका है और 322 रन की बढ़त बना चुका है। इंडिया को कम से कम 450 से 500 रन की बढ़त कल के 2 सेशन में बनानी होगी और फिर इंग्लैंड को चेज करने के लिए इन्वाइट करना होगा।